इस तरह के ऊपर जितने भी इंसान हैं सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आभा मंडल या ओरा या तेज पुंज, प्रकाश पुंज या सुरक्षा चक्कर या एनर्जी का चक्कर या एनर्जी का घेरा, अनेकों अनेकों नाम देते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार लोग अपने अपने शब्दों के अनुसार, लेकिन ये सिस्टम प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है, प्रत्येक व्यक्ति के विचारों के अनुसार होता है, उसकी ताकत के अनुसार होता है, उसकी एनर्जी के अनुसार होता है, उसकी शरीर की बनावट के अनुसार होता है, उसके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उनके अनुसार होता है, उन्होंने जो तपस्या की है उनके अनुसार होता है, उन्होंने जो सिद्धियां प्राप्त की उनके अनुसार होता है, उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया उसके अनुसार होता है, उनका जो तेज है चढ़ाई है उसके अनुसार होता है, उसके भाव के अनुसार होता है, उसकी आदतों के अनुसार होता है, उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के अनुसार होता है। ये सब के सब कारण इसमें शामिल होते हैं। ये पहचाना कैसे जाए? साधारण लोग इसको नहीं पहचान सकते। फेस से कुछ महसूस कर सकते हैं कि फेस के ऊपर, आँखों के ऊपर, त्वचा के ऊपर, नज़र के ऊपर, मतलब महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्णतया जो समझने वाले लोग हैं वो हमारे सिद्ध हैं, ऋषि मुनि हैं, महात्मा गण हैं, जिनके पास ये नज़र है वो हैं, दिव्य शक्तियां हैं, और आजकल तो कुछ देशों के साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने इसकी खोज कर ली है कि आभा मंडल क्या होता है, क्या उसका रहस्य होता है, क्या प्रभाव होता है, कितना दूरी तक वो प्रभाव कर सकता है, ये उन्होंने खोज कर ली। इस कारण से बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो उस आभा मंडल को पढ़ करके, देख करके, उसके कलर को देख करके, रंग को देख करके, आभा मंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार से लाल तेज का प्रतीक होता है, पीतंबर अलग प्रतीक होता है, सबके सब कलर, और ब्लैक अलग होता है, सबके सब जितने भी इनका कभी फिर वर्णन करेंगे, पूरे के पूरे कलर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और उन्हीं का जो मैच होता है वो मिक्स करके ये पता लगाया जाता है सिद्धों के द्वारा कि ये क्या कारण है, कौन सी एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी से उठाया जाए और किस एनर्जी को किस शक्ति से तोड़ा जाए। सारा का सारा खेल यही होता है, ज्ञान का भी, विज्ञान का भी, और सिद्धों के द्वारा रोगों को दूर करने का भी। ये बहुत गहरा रहस्य होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। इसको मजबूत भी किया जा सकता है, इसको कमजोर भी किया जा सकता है। इसी कारण से सिद्ध एक नज़र में इसके ऊपर प्रभाव कर सकते हैं। सिद्धों का जो तेज होता है उसको वो अलग से ओरा के रूप, जो मैंने बोला, सबको उसी के रूप में नज़र आता है। जो देवता होते हैं उनको अलग अलग कलर में आपने देखा होगा, मूर्तियों के पीछे देखा होगा और उसके चारों तरफ देखा होगा प्रकाश, ये अलग अलग होता है, अलग अलग तेज के अनुसार, अलग अलग लोक के अनुसार, अलग अलग देवता के अनुसार, अलग अलग शक्ति के अनुसार, अलग अलग सिद्धियों के अनुसार, अलग अलग ताकत के अनुसार, इस प्रकार से ये खेल होता है। और इसके अंदर जो बढ़ाया जाता है वो एनर्जी से बढ़ाया जाता है, ताकत से बढ़ाया जाता है, और सिद्ध इसके अंदर घुस करके अपने अनुसार इसको मजबूत और कमज़ोर कर देते हैं। इसी से वो इसके ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर ये आपका जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतने ही आपको रोग और ये प्रभाव नज़दीक नहीं आएंगे। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, नज़दीक गए, आपको एहसास हो कि एकदम से आप शांत हो जाओ,
यानी उसके अंदर की जो एनर्जी है, जो आभा मंडल है, वो बहुत शांत किस्म का, उसके विचार बहुत शांत हैं। अगर आप किसी को देखते ही चेहरे की तरफ आपके अंदर आग जलने लगे कि इसको तो दो मार ही दूं, मैं अभी जान से मार दूं इसको, और इतना गुस्सा प्रभावित होने लगे, तो आप समझना वो नेगेटिव किस्म का इंसान है। किसी न किसी जन्म में या इस जन्म में आपका उसने कुछ बुरा किया है या होने वाला है, या उसके अंदर खुद इतनी नेगेटिविटी है कि आपकी पॉजिटिविटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उन शक्तियों में जो लड़ाई है वो आपके मानसिक तल तक प्रभावित करती है। तो आप इस प्रभाव को, इस आभा मंडल को मजबूत करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, और पॉजिटिव तैयार करके अपने आभा मंडल को मजबूत करो, ताकि रोगों से और इन छोटी छोटी चीज़ों से, विचारों से, दूषित चीज़ों से, दूषित प्रभाव से, और संसार की नेगेटिव एनर्जी से और राक्षसी शक्तियों से आप किसी भी प्रकार से बच सको। इसका प्रयोग अनेकों प्रकार से किया जाता है, तो पहले आप ये तैयार करो, फिर आपको इसका प्रयोग भी सिखाएंगे।